दोस्तों होंडा कंपनी के 20 साल पूरे होने की खुशी में कंपनी ने यहां पे आपके लिए होंडा एक्टिवा 6G सीरीज में एक एनिवर्सरी एडिशन को लॉन्च किया है, जो कि आपको होंडा एक्टिवा 6G 20 ईयर एनिवर्सरी एडिशन के नाम से देखने को मिल जाएगी। तो ये जो स्क्रीन पे आप मॉडल देख पा रहे होंगे, ये एक्टिवा का 20 ईयर एनिवर्सरी एडिशन है, जिसमें आपको कुछ नए ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, नया कलर स्कीम देखने को मिल जाता है और काफी कुछ नई चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से कि इसके एनिवर्सरी एडिशन में कंपनी आपको क्या नई चीजें प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कितने रुपए में देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर AKB। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो स्क्रीन पे आपके सामने है होंडा एक्टिवा 6G का 20 ईयर एनिवर्सरी एडिशन, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो आपको कलर मिल रहा है, ये आपको चॉकलेटी ब्राउन कलर में देखने को मिलेगा, बट जो इसमें ग्राफिक्स मिलेंगे, जो स्टिकर्स मिलेंगे और जो 3D एम्बेड लोगो मिलेगा, वो आपको गोल्डन कलर का देखने को मिल जाएगा। तो काफी प्रीमियम और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये मॉडल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल होता है आप सभी का कि इसकी प्राइस कितनी रखी गई है। तो गौर से सुनिएगा, इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस आपको जो पड़ेगी वो है 67,749 रुपीज, यानी 67,749 रुपए। वहीं जो इसकी ऑन रोड प्राइस बनेगी वो लगभग आपको 82,000 टू 85,000 रुपीज, यानी 82,000 से 85,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी ऑन रोड प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज में। वहीं जो इसका डिलक्स वेरिएंट है, उसकी एक्स शोरूम प्राइस 69,249 रुपीज, यानी 69,249 रुपए देखने को मिल जाएगी एक्स शोरूम प्राइस। वहीं जो डिलक्स वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस बनेगी वो लगभग आपको 85,000 टू 87,000 रुपीज, यानी 85,000 से 87,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी इलाहाबाद प्रयागराज में। तो ये थी इसकी एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों ही प्राइस। और अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फ्रंट से हम शुरू करते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलता है साइड रिफ्लेक्टर, जो कि BS6 के अपडेट में आते हैं और BS6 की सारी बाइक में आपको ये साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। जो फ्रंट का ब्रेक है वो आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, और वहीं जो फ्रंट टायर मिलेगा वो आपको 90x90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। जो फ्रंट का सस्पेंशन मिलेगा वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, तो इसमें आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको थोड़ी से ग्राफिक्स चेंज देखने को मिलेंगे। इसमें आपको स्टिकर्स जो मिलेंगे वो गोल्डन कलर के मिलेंगे, काफी प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। फ्रंट पे आपको काफी यूनिक डिजाइन में पैटर्न देखने को मिल जाता है स्टिकरिंग में, जो कि आपको ग्रे कलर की देखने को मिलेगी, और उसके बॉर्डर पे आपको गोल्डन कलर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ फ्रंट पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको मिल जाती है क्रोम की फिनिशिंग काफी यूनिक डिजाइनिंग में, और इसमें आपको गोल्डन कलर की स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाती है, और बीच में आपको मिल जाता है 20 ईयर एनिवर्सरी एडिशन की बैचिंग क्रोम फिनिश के साथ, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। और इसके साइड में आपको स्पेशल एडिशन की भी बैचिंग देखने को मिल जाती है स्टिकरिंग में, तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। फ्रंट में आपको होंडा की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। और ये है इसका हेडलैम्प, जो कि आपको 35x35 वाट का हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको LED का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो इस चीज का आप गौर कर लीजिएगा। जो इसकी विजिबिलिटी मिलेगी वो आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। वहीं जो इसके इंडिकेटर है वो भी आपको बल्ब वाले ही इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके फ्रंट से जो इसका लुक निकल के आता है वो आपको काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत देखने को मिल जाएगा। यहाँ साइड पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको जो एक्टिवा का 3D एम्बेड लोगो मिलता है वो आपको गोल्डन कलर का देखने को मिलता है, काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। और वहीं रियर सेक्शन में रियर टेल लैंप की बात करें तो रियर में आपको बल्ब वाले ही टेल लैंप देखने को मिलेंगे, और जो रियर के इंडिकेटर हैं वो भी आपको बल्ब वाले ही देखने को मिल जाएंगे। और उसके ऊपर आपको मिल जाता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रैब रील इसके बॉडी कलर से बिल्कुल मैच करता हुआ, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और अगर हम इसके रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में भी आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और वहीं जो रियर का टायर मिलेगा वो आपको 90x100 के 10 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। जो रियर का सस्पेंशन मिलेगा वो आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिल जाएगा, तो सस्पेंस क्वालिटी आपको काफी बेहतर मिलती है, तो सस्पेंस क्वालिटी इसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 109.51cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलेगी वो आपको 7.68 BHP की मिलेगी 8000 RPM पे, और
जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 8.79 न्यूटन मीटर का मिलेगा 5250 आरपीएम पे। तो पावर और टॉर्क इसमें आपको काफी बेहतर मिलता है, इसमें आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको एक ग्रैब रील मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और अगर हम इसके सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो सिटिंग कंफर्ट इसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगा। सिटिंग कंफर्ट में इसके कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका बूट स्पेस, जो कि इसमें आपको काफी ज्यादा बड़ा और बेहतर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप अपने जरूरी सामान को रख सकते हैं। अच्छी बात यह है इसमें जो फ्यूल टैंक का ढक्कन दिया गया है वो आपको बाहर देखने को मिलेगा, तो आपको फ्यूल फिलअप करवाते टाइम बार बार अपने सीट को ओपन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो फ्यूल का ढक्कन है वो आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको बॉडी कलर से मैच करता हुआ कवरिंग देखने को मिल जाता है। तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। अगर हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही इसमें आपको मिल जाता है FI सिस्टम, जो कि आप सभी जानते हैं कि BS6 की सारी बाइक में आपको FI सिस्टम देखने को मिल जाता है। और यह है इसका मेन मीटर कंसोल, जो कि आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसमें भी कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, सारा सब कुछ इसमें आपको एनालॉग देखने को मिलता है। जो इसमें नई चीज ऐड करी गई है वो है इंजन मॉल फंक्शन लाइट, और ये इंजन मॉल फंक्शन लाइट BS6 की सारी स्कूटी और बाइक में देखने को मिल जाएगा। हैंडल पे आपको होंडा की बैचिंग देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। तो इसमें स्विचिंग क्वालिटी में भी आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, रेगुलर डिजाइन में आपको मिरर मिल जाएगा। और वहीं राइट हैंडल बार पे आपको इंजन क्विल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच एक ही स्विच में देखने को मिल जाता है। तो एक ही स्विच में आपको इसके तीनों फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। और ये है इसका इग्निशन स्विच, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको एक स्विच और प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि आप अपने फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं और अपने डिग्गी को भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक हुक भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप किसी अपने सामान को इसमें कैरी कर सकते हैं। और अगर हम इसके लेग स्पेस की बात करें तो इसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर लेग स्पेस देखने को मिल जाता है। ये सारी बातों की बात कर लेते हैं अब इसके थोड़े से डायमेंशन की। तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 1833 mm, चौड़ाई 697 mm, हाइट 1156 mm, व्हील बेस 1260 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm, सीट की जो लेंथ मिलेगी वो आपको 692 mm की मिलेगी, और जो इसका ओवरऑल वेट मिलेगा वो आपको 107 kg का देखने को मिल जाता है। तो 107 kg में आपको ये पूरी स्कूटी देखने को मिल जाती है। तो ये थी इस स्कूटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।